मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज हम खड़े हैं सूरजपुर जिला के पोड़ी ग्राम और नवापारा के बीच में, जो ये पहाड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर। मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक घर है पोड़ी में, जो कि बताया जा रहा है बुजुर्ग महिला है। महिला घर से तकरीबन 10 से 15 दिन से वो बुजुर्ग महिला घर से गायब है। जो मौके पे मैं दिखाना चाहूँगा, ये बताया जा रहा है जैसे कि ये उस बुजुर्ग का ये हड्डी है। अब ये कहाँ तक सच्चाई है, ये जांच का विषय है। और कुछ कपड़े भी महिला के साथ जो थे वो एक पेड़ के साथ यहाँ पर बंधे हुए दिखाए जा, मैं दिखाना चाहूँगा कि बंधे हुए हैं। और वहाँ पर कंबल भी पड़ा हुआ है। पंद्रह दिनों से लापता बुजुर्ग महिला टुकड़ों में मिली, जांच में जुटी पुलिस, क्षेत्र में मचा हड़कंप। नमस्कार, खबरों की दुनिया में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं जी सेवन न्यूज। सूरजपुर जिला के ग्राम पौड़ी की एक महिला की कंकाल मिली, जो कि 14 से 15 दिनों से बुजुर्ग महिला घर से गायब थी। परिवारों का कहना है कि वह अपनी बेटी के घर या कहीं घूमने गई थी, ऐसा यह कई बार कर चुकी है। बिना घर में बताए कहीं भी चली जाती है, वह इस बार भी बिना बताए चली गई थी। उनके द्वारा जब पूछा गया तो वह बता रहे थे कि हम फोन लगाकर पता कर रहे थे, लेकिन पता नहीं चला। जब गांव में हल्ला हुआ कि पहाड़ के बगल में कंकाल मिला है, तब जाकर वह अपने मां की पहचान कपड़ों के द्वारा किया। थाना जाकर तुरंत थानेदार को संज्ञान में बताया गया और भटगांव थानेदार को पत्रकारों के द्वारा फोन करके बताया गया। उन्होंने कहा कि पोड़ी गांव के पहाड़ के किनारे कंकाल को देखा गया है। मौके पर भटगांव थानेदार व उनकी टीम पहुंची। पुलिस का कहना है कि जिस हालत में कंकाल मिला है और कपड़े टंगे हुए हैं, जांच का विषय है। ब्यूरो चीफ गुरजीत सिंह की रिपोर्ट, जी सेवन न्यूज। निकला है इस जगह से, इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, हम लोग मौके पर आए हैं। जैसे कि पता चला है कि जगनंदन थाने में आके रिपोर्ट किया था कि मेरी माँ 14 तारीख से घर से निकल गई है, जो पहले भी ऐसा करती थी और 4-5 दिन 6 दिन में घर वापस आती थी। तो 14 तारीख को जिस टाइप से निकली थी, तो इनको अंदेशा था कि वो घर वापस आएगी। घर वापस नहीं आई और कुछ लोगों ने उसको बताया कि जंगल में उस किसी का नरकंकाल मिला है, जिस पर से वो आके देखा तो कपड़ा को और उसका बाल को देख के पहचान लिया कि वो मेरी माँ थी, और तुरंत थाने में रिपोर्ट किया है। थाने में रिपोर्ट करने के बाद हम लोगों ने आए हैं मौके पर, उसका जाँच कर रहे हैं। जांच पे अभी और बहुत सारे लोग का कथन लेंगे, उसमें क्लियर हो पाएगा कि वो किस टाइप से उसके मृत्यु हुआ था। सर, जैसे मैं बोलना चाहूँगा, ये जो महिला का जो आवेदन दिया है, जो उसका लड़का, ये आवेदन कब पहले दिया कि आज दिया, कैसे किया है? नहीं, वो आज ही दिया है, आज ये सुबह आया था। जैसे ही आवेदन दिया है, हम लोगों ने मरने निवेशन काम करके उसमें आए हैं। क्या नाम है आपका? गोपाल राजवाड़े। आपका माता कितने दिन से गायब थी? कितने दिन से लापता थी? 15 दिन। 15 दिन से का 15 दिन से आपको पता नहीं चला, खोज नहीं की अपनी माता का? फोन लगा रहे थे, वो दीदी बहन यहाँ बेटी है ना, तो 15 दिन से आपका 15 से 20 दिन लोग बता रहे हैं कि आपकी माँ लापता थी, तो आप पुलिस को या मीडिया को क्यों सूचना नहीं दिया? वो जाता है तो फिर आ जाता है, तो हम फिर फोन लगाते थे तब वो कुछ। 15 दिन से आपकी माता जी घर से गायब है, लेकिन आप थाना में भी रिपोर्ट नहीं दिए ना किसी को, आप गांव घर के किसी को बोल रहे हैं, क्या है आखिर पूरा मामला? आप ही लोग तो नहीं कहीं कोई कुछ किया? नहीं, खोज फोन लगा रहे थे अपना इस परिवार मन में। 15 दिन से आप क्यों नहीं किसी को खबर किया? आपने अगल बगल वाले को क्यों नहीं बताया? तो बताए तो थे। सुनने में ये भी आ रहा है कि 4-5 दिन पहले आप सरपंच को बुलाए हैं और कुछ लोगों को यहाँ बुला के वो कंकाल को देखा गया है, क्या मामला है? सरपंच को नहीं बुलाए हैं। किसको बुलाए थे? अच्छा, कौन आया था? अच्छा ये बताओ, जैसे कि सुनने में आ रहा है कि आप लोग प्रताड़ित भी करते थे बुजुर्ग महिला के साथ, मारपीट भी किया करते थे? नहीं करते हैं लोग, जैसे बता रहे हैं नहीं करते हैं। पूछिए पार पड़ोसी नहीं करते हैं। तो आखिर ऐसा क्या आप लोग को हुआ कि 15-20 दिन के बाद भी आपने खोज खबर नहीं किया, ना शिकायत थाना में की है? जाता है दीदी बहन यहाँ रहता है, आ जाता है महीना 1-2 महीना हफ्ता भर में आ जाता है, तो फिर चल जाता आज है। आज भी मतलब कंकाल देखने से आप लोग को 5-6 दिन हो गया, जब आज मीडिया वाला
आप लोगों को कॉन्टेक्ट किया है तो वो अभी थाना में गए हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? पता चला है, 5 दिन पहले से पता चल चुका है, ग्रामीण गाँव वाले सरपंच यहाँ के लोग देखे हैं। 5 दिन पहले भी यहाँ पे कोई आया था जांच करने? यहाँ तो नहीं आए थे, यहाँ नहीं आए थे, घर में नहीं आए थे। कहाँ थे? कोई कहाँ गए थे? घर के जो बुजुर्ग की ये हालात हुई है, इसके घर के हैं। ये कुछ कपड़े दिखाई दे रहे हैं जो कि पेड़ के साथ बंधे हुए हैं, और ये कंबल है। मैं बताना चाहूंगा, आखिर बुजुर्ग महिला आई है तो आने के बाद आखिर यहाँ पेड़ के पास वो महिला क्या कर रही थी, जो कि जैसे ये साड़ी इस महिला की इस पेड़ में दिखाई दे रहा बंधाया हुआ, आखिर इसको कोई मारा है कि महिला खुद आई है? अब ये तो जांच का विषय है। मैं बताना चाहूंगा, आप देख सकते हैं ये पूरा ब्लड है और उस महिला का पूरा बाल है, वो चाबी भी दिख रहा होगा। और भी है इधर पूरा ब्लड, पूरा जैसे कोई जानवर इसको खींच खींच के खाया होगा। आप देख सकते हैं एक चूड़ी भी दिखाई दे रही है। ये जबड़ा दिखाई दे रहा है, आखिर इस महिला के 2 बच्चे लड़के हैं और जैसा कि बताया जा रहा 3-4 बेटियां भी हैं, घर में और भी लोग रहते हैं। 10 से 15 दिन से यदि ये महिला घर से गायब है तो आखिर ये अपने ग्राम पंचायत के सरपंच को क्यों नहीं बताए, थाना में रिपोर्ट क्यों नहीं किए, थाना में एक आवेदन क्यों नहीं दिए, अगल बगल गाँव के कुछ सदस्य हैं उनको भी नहीं बताए हैं, आखिर क्यों, क्या बात थी?